नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान जो है यहाँ पर अलग अलग जीकेएम का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, देख सकते हो। हमारे पास जो है तीनों डिवाइस है, तीनों डिवाइस में हमने जो है लेटेस्ट जीकेएम 9.1 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है रेडमी नोट 10 डिवाइस एंड इसमें हमने जो है SGCAM 9.1 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है समीम करके डेवलपर की तरफ से देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास है रेडमी नोट 11 डिवाइस, इसमें हमने जो है जीकेएम एजीसी 9.1 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है बिग काका करके डेवलपर की तरफ से, ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हमारे पास है पोको F5 डिवाइस, इसमें हमने जो है जीकेएम 9.1 BSG का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है BSG करके डेवलपर की तरफ से, ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है तीनों जीकेएम के कंपटीशन करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। तीनों जीकेएम का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके तीनों जीकेएम को ही डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ तीनों जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं SGCAM 9.1 के साथ। तो कुछ इस तरह से SGCAM 9.1 के साथ जी यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट इस गूगल कैमरा को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से UI है। यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस में आप स्विच कर सकते हो। SGCAM 9.1 के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर HDR मोड, प्रो मोड का ऑप्शन है, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एक्सपोजर, फोकस, शटर स्पीड, ISO, ये सभी जो ऑप्शन से देखने को मिलेगा। एंड वीडियो एडिटिंग के साथ जो है सिनेमेटिक पैन, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, 8K 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलेशन एंड स्पीच एनहेंसमेंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर GCAM 9.1 BSG का जो बिल्ड है, ये जो बिल्ड है उसका फिलहाल नया बिल्ड है, इसलिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर बिल्ड में आपको ढेर सारी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है HDR, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, टॉप शॉट का ऑप्शन है एंड यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर एंड एक्शन पैन का जो ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी HDR मोड काम कर जाएगा, फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर भी जो है 4K 60fps में वीडियो स्टेबलेशन के साथ जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। स्लो मोशन के साथ जो है 1x/4x/1x/8x का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। टाइम लैप्स मोड को भी ऐड किया गया है। सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट जो जीकेएम है, यहाँ पर जीकेएम एजीसी 9.1 का जो बिल्ड हमने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर कलर मिक्स UI को ऐड किया गया है, पर सैचुरेशन एंड लुमिनस को आप जो है एडजस्ट कर पाओगे। मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है मैक्रो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, मेन लेंस में स्विच कर सकते हो। प्लस यहाँ पर लाइका मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लाइका सिनेमेटिक इफेक्ट का जो ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है। प्लस ऑटो वाइड बैलेंस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, इस ऑप्शन के साथ जो है कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर भी जो है प्रो मोड का ऑप्शन है, HDR मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर 12 MP रॉ फोटोज का ऑप्शन है, लेंस सिलेक्शन का ऑप्शन है, पैनोरामा नाइट साइड मोड को ऐड किया गया है, 4K 60fps में वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, 10-bit HDR वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के ऊपर ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ। एंड डेफिनेटली अगर आप चाहो तो तीनों जीकेएम को एक ही डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया बात है, ढेर सारी डिवाइस का जो सपोर्ट है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रेडमी, रियलमी, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, नथिंग फोन 1, यहाँ पर नथिंग फोन 2, मोटरोला, इन्फिनिक्स, इवन पिक्सल डिवाइस के साथ भी काम करता है। एंड यहाँ पर तीनों जीकेएम के साथ जो है अलग अलग फीचर्स अवेलेबल है, अलग अलग जो है यूनिक फीचर्स देखने को मिलेगा। जीकेएम 9.1 BSG के साथ आपको जो है स्टॉक गूगल कैमरा का जो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जीकेएम AGC 9.1 के साथ जो है यहाँ पर लाइका मोड का ऑप्शन है, कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिलता है। इस जीकेएम के साथ भी यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है एंड कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिल जाएगा, पर प्लस ढेर सारी डिवाइस का जो सपोर्ट है देखने को मिलता है। इस जीकेएम एजीसी 9.1 एंड जीकेएम 8.1 BSG तीनों जीकेएम का जो बिल्ड है उसको काफ़ी बढ़िया है। डेफिनेटली आप जो तीनों जीकेएम को ट्राई कर सकते हो। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं सेटिंग्स मेनू के बारे में। सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या फीचर्स को ऐड
किया गया है एज सेटिंग्स मेनू के साथ। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर SGCAM 9.1 के साथ। तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है ढेर सारी ऑप्शन है, बट यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स को ऐड किया गया है। डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप जो है नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहते हैं। प्लस यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन है। व्यू फाइंडर बटन्स को ऐड किया गया है, पर मैनुअल फोकस स्लाइडर, ऑटो वाइड बैलेंस बटन, शटर स्पीड, लिप पैचर, हाई रेजोल्यूशन फोटो अपर्चर बटन एंड सैचुरेशन स्लाइडर। व्यू फाइंडर के ऊपर जितने भी बटन्स है सभी बटन्स को हमने यहाँ पर एनेबल कर दिया है। उसके बाद जो है कुछ इस तरह से जो है पर UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर GCAM को जो है पर रीस्टार्ट करने के बाद देख सकते हो जो UI है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। अलग अलग बटन्स को ऐड किया गया है व्यू फाइंडर के ऊपर। तो यहाँ पर SGCAM 9.1 के साथ जो है ढेर सारी अलग अलग बटन्स के ऊपर ऐड किया गया है। एडवांस ऑप्शन के ऊपर जो है मोशन फोटोज, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फोकस लॉक टाइम, डिजेबल हेक्सागन DSP, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम होता है उसे इंक्रीज कर पाओगे, इवन जो मैक्सिमम जूम है उसे भी इंक्रीज करने का ऑप्शन है, HDR रॉ फिक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। प्लस XML फाइल को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है GCAM 9.1 के साथ। यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑक्सिलरी कैमरा का ऑप्शन है, बेसिकली मल्टीपल लेंस को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो एंड एडिशनल मॉड्यूल का ऑप्शन है। हर एक कैमरा लेंस को आप जो कस्टमाइज कर सकते हो, मेन लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स, अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स, फ्रंट कैमरा के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को अप्लाई कर पाओगे। कैमरा टू पे सेटिंग्स इंटरफेस में जाके पिक्सल 8 प्रो का जो UI है उसे एनेबल कर पाओगे। यहाँ पर जो है रॉ सेटिंग्स, अपस्केलिंग फोटो, HDR फ्रेम, लिप पैचर, नॉइस मॉडल, ऑटो वाइड बैलेंस, मैनुअल फोकस, एस्ट्रोनाइट मोड, वीडियो सेटिंग्स का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर हमने जो है पिक्सल 8 प्रो का जो UI है एनेबल किया है, मैक्रो फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस लॉन्ग एक्सपोजर एंड एक्शन पैन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये जो लॉन्ग एक्सपोजर एंड एक्शन पैन का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट GCAM 9.1 BSG के साथ भी यहाँ पर अवेलेबल है। एनीवे यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी यहाँ पर सिनेमेटिक ब्लर का जो ऑप्शन से एनेबल हो जाएगा SGCAM 9.1 के साथ, एंड यहाँ पर ब्लर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है यहाँ पर 10-bit HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, 8K 60fps में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर GCAM AGC 9.1 के साथ। तो यहाँ पर भी जो है पिक्सल 8 प्रो का जो UI है उसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर लेंस सेटिंग्स को ऐड किया गया है। सिमिलरली आप जो है हर एक कैमरा लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को अप्लाई कर पाओगे। कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर जो है कस्टम वाटरमार्क के साथ साथ सेव लोकेशन, कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो, गोल्ड लेंस सजेशन, सोशल शेयर, बटन शॉर्टकट का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज के साथ जो है एडवांस ऑप्शन को ऐड किया गया है, HDR कंट्रोल, HEVC से HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी, टाइमर लाइट, रिच कलर इन फोटोज का ऑप्शन है, HDR नेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, डिले आफ्टर फोकस का ऑप्शन है, टॉप शॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स, ग्रिड टाइप, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, कलर मिक्स UI का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स को ऐड किया गया है। डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप जो है अलग अलग ऑप्शंस को एनेबल कर पाओगे जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। एंड यहाँ पर ऑडियो जूम, वीडियो स्टेबलाइजेशन, सेव सेल्फी साइज प्रीव्यू का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो है GCAM 9.1 BSG के साथ जो है स्टॉक लाइक गूगल कैमरा का एक्सपीरियंस है, एंड अभी भी बहुत सारी ऑप्शंस जो है अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन, सेव सेल्फी साइज प्रीव्यू, ग्रिड टाइप, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, HDR कंट्रोल, रॉ फोटोज, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी, टाइमर लाइट, रिच कलर इन फोटोज का ऑप्शन है, बाकी यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज, बटन शॉर्टकट, सोशल शेयर, गूगल लेंस सजेशन, कैमरा साउंड एंड सेव लोकेशन को जो है डिजेबल करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो है आप तीनों GCAM को ट्राई करके देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया जो है पर UI देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया जो है पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तीनों GCAM का जो है डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके तीनों GCAM को डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड
14 तक सभी एंड्रॉयड वर्सन के साथ तीनों जीकैम का जो बिल्ड है काम कट जाएगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।